मैं बहुत वॉक करता था, मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये धीरे 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 मुझे ये फील होता रहा कि अब इनमें पेन शुरू हो रहा है, और मुझे एक स्टेज आ गई थी कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, मुझे वो भी खतरा लगने लग गया था कि आई एम हेडिंग टुवर्ड्स ए प्रॉब्लम। इनको पिछले 5 साल से घुटनों का आर्थराइटिस से ये परेशान थे, और इनके घुटने थोड़े थोड़े टेढ़े हो रहे थे अंदर की तरफ, जिसे हम वायरस डिफॉर्मिटी कहते हैं, वो था। और घुटनों की जो चाल है, जो मुड़ने की स्थिति है, वो भी कम हो रखी थी। ये बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तो इनकी थिंकिंग में नेगेटिविटी बहुत जल्दी आती है, और हम इनको पॉजिटिव रहने के लिए काफ़ी प्रेरित करते रहे। तो उनको समझाया गया कि इस स्थिति के अंदर, और उनके परिवार वालों को बताया गया कि मैं इस स्थिति के अंदर जोड़ प्रत्यारोपण, जिसे हम नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, उसका विकल्प एक अच्छा विकल्प है, और इससे आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो जीवन शैली का जो स्तर है, वो इम्प्रूव होगा। तो इसको सोचते हुए 27 मई को मैं मैक्स में एडमिट हुआ, 28 को मेरा ऑपरेशन हुआ, जिसको लगभग 11 महीने होने वाले हैं, और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सीढ़ी चढ़ लेता हूँ, मुझे एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लगता है इनको चलते हुए देख के किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, तो अब तो ये मेरा सहारा बन रहे हैं। और मैं इसका क्रेडिट मैक्स हॉस्पिटल को और डॉक्टर खोचलो इन पर्टिकुलर देता हूँ।